शेयर करने आया। बोलो प्राप्तव्य एक ऐसी मंशा है, नहीं जानते? आप लोग इस तरह के कल्चर में हो ना जी। इसके बाद क्या करने का इरादा? बीएससी करो। बीएससी करने के लिए कितने लोगों ने बीएससी करने को सोचा? आप लोग चलिए आप ऐसे कितने लोग हैं, थोड़ा सर भी दिखाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो जानते हैं बीएससी एजी के कॉलेज कितने हैं और विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं? कितने लोग बताए? कितने लोग विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है? क्यों लेना चाहते आप? तो विश्वविद्यालय में एडमिशन क्यों लेना चाहते? अच्छी और कौन बताएगा? तुम बताओ क्यों लेना चाहते हो विश्वविद्यालय? अच्छी पढ़ाई। देखिए बीएससी विश्वविद्यालय से भी होती है, बीएससी डिग्री कॉलेज से भी होती है। इधर सुनो कोई बोलेगा नहीं, जो बोलेगा बाहर निकल जाएगा। बीएससी डिग्री कॉलेज से भी होती है, बीएससी विश्वविद्यालय से भी होती है। लेकिन जो बीएससी विश्वविद्यालय से करना है, ये विश्वविद्यालय में पूरे प्रदेश के छठे के बच्चे आते हैं, वहां पर माहौल बहुत अच्छा होता है। विश्वविद्यालय से बीएससी करने का मतलब होता है कि तुम आगे बहुत ऊंचाई पर या अधिकारी बनोगे या प्रोफेसर बनोगे या बनोगे। विश्वविद्यालय से ही वास्तव में बीएससी करने से जो मुकाम मिलता है जिसको तुमने ख्वाबों में देखा है। होता यह है कि हमें पता नहीं होता, हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी व्यवसायिक आ गया इसी के टेबल में फंस गए, अरे बीएससी डिग्री तो करना है, जहां से करा खाली डिग्री तो चाहिए, नौकरी तो डिग्री पे मिलेगी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब विश्वविद्यालय से करोगे तो पूरे प्रदेश के वहां मलाइया पूरे प्रदेश के अच्छे बच्चे आते हैं। विश्वविद्यालय में माहौल बहुत अच्छा होता है, वहां से एक से एक पढ़ने वाले टॉप पढ़ने वाले मिलेंगे। तुम यहाँ दो घंटे चार घंटे पढ़ते हो, वहां दस दस घंटे पढ़ने वाले मिलेंगे। तुम्हारी झुकी पढ़ रहे रात के दो दो बजे तक, भाई सीखो के पढ़ा कैसे जाता है और वहां से तुम सीखो के आगे बढ़ा कैसे जाता है। तो अच्छी जहां कंपनी में मजबूत बच्चे आगे, विश्वविद्यालय में तुम्हें एक बहुत ऊंचाई तक जाने का मौका। होता है कि हमारे यहाँ से बच्चे विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पाते, क्योंकि विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए एक परीक्षा होती है, उसको यूपी कैडेट बोलते हैं। तो अच्छी जहाँ कंपनी में भी मजबूत बच्चे आगे, विश्वविद्यालय में तुम्हें एक बहुत ऊंचाई तक जाने का मौका मिलता। होता है कि हमारे यहाँ से बच्चे विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पाते, क्योंकि विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए एक परीक्षा होती है, उसको यूपी कैडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यूपी कैडेट की परीक्षा में हम बच्चों की हमारी तैयारी नहीं होती है। हमारे यहाँ जो पढ़ाई का सिस्टम है हमारे लखीमपुर में, शिक्षा के मामले में कंपटीशन के लिए कोई अच्छी संस्थाएं नहीं कि आपको उसमें थोड़ा जागृत करें और आपको मोटिवेट करें और आप जाकर के वहाँ कंपटीशन को निकाल करके और विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं। अब वहाँ बड़ा बड़ा हॉस्टल होते हैं, बड़ी बड़ी खेल की व्यवस्था होती है और ऑडिटोरियम होते हैं, एक बहुत ही बड़ा परिसर होता है विश्वविद्यालय। तो इसलिए तुम लोगों की जो परीक्षा कर रही है उसका उद्देश्य यह है, हमारी गोला में एक उर्मी की सीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से है, कोचिंग चलती है, क्या चलती है? लेकिन ये वो कोचिंग नहीं है जो तुम्हें ठगने के लिए कमीशन राशि करती है। हमारी कोचिंग का उद्देश्य है पूरे जिले में बच्चों को आगे बढ़ा, हमें खुद की कमाई के लिए नहीं, हमें एक बच्चों के सेवा क्षेत्र के लिए कार्य करना। तो इसलिए ये एक परीक्षा पूरे जिले में कराई जाती है, लगभग 1000 बच्चे इस परीक्षा में बैठे और उसमें देखा जाता है ऊपर के 50 बच्चे कौन है, सबसे टॉपर 50 बच्चे छापे जाते हैं,
उसके बाद उन 50 बच्चों की फिर परीक्षा कराई जाती है गोला में, फिर उनको क्या किया जाता है, फिर उसमें से टॉप 3 बच्चे छाटे जाते हैं, फिर टॉप 3 छाटे जाएंगे, उन 3 को हमारी कोचिंग में फ्री पढ़ाई कराई जाती है। जो टॉप 3 बच्चे होंगे, पहला बच्चा उसको पूरी फीस माफ होती है, 1,000 रूपये का पुरस्कार भी दिया जाता है। गोला में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया जाता है एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, और वहाँ एक पुरस्कार दिया जाता है 1,000 रूपये पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे नंबर वाले को 800 रूपये नगद पुरस्कार और मतलब उसको पुरस्कार दिया जाता है। तीसरे वाले को 500 रूपये का नगद पुरस्कार, भाई रुपये यदि वो का आ गया काम, बेटा रुपये 1,000 लेकर के जब जाओगे अपने माता पिता को कहोगे कि मैं अपनी प्रतिभा के दम पे 1,000 रूपये लाया हूँ, तो कितना खुश होंगे। ये कोई हम कोई प्रैक्टिकल वाला तुम्हें हिसाब नहीं लेकर के आया हूँ कि तुमको ठगने आया हूँ, तेरे में जमा कोई प्रैक्टिकल में नहीं होता। तो उसको बहुत ही गंभीरता से कागज लोग पास नंबर है, लोग पास एक कापी तुम हमें दे दोगे, ये इसकी जांच कराएंगे, ठीक है। तुम अगर 6 नंबर होंगे तो तुम ऊपर की मैरिट में आ जाओ, ये हम ले जाएंगे अपने पास। जो क्वेश्चन पेपर है उसको तुम्हारे पास रहना, उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी आगे तुम्हें जरूरत होगी तो तुम मुझे भी फोन कर, लेकिन ध्यान रहे कोचिंग में कमीशन वाले भी बहुत एजेंट चलते हैं, किसी ठगने वाले के चक्कर में मत पड़ जाना। कानपुर से बहुत एजेंट भेजे जाते हैं जो आपको ठगने के लिए हमेशा आपका घेराव करेंगे, तो किसी कमीशन बात के चक्कर में मत पड़ जाना। ओला में तैयारी होती है, बहुत अच्छी होती है, लगभग अभी तक 60 बच्चे जा चुके हैं। कितने बच्चे हुआ है? 60 बच्चे जा चुके हैं, तुम्हें सुनने में ताजुब लगता है ना। ओला से तैयारी करके हर जगह इस कोचिंग के उन्हें विशेषकर कोचिंग इंस्टीट्यूट के हर विश्वविद्यालय में तुम्हें लड़के मतलब भीड़ मिलेगी, 10-10 बच्चे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पहली हमारी अपील ये है परीक्षा करने की, तुम कहीं भी जाओ तैयारी करो, इस पर हमारा ज्यादा जोर नहीं है, लेकिन जोर इस बात पे ज्यादा है कि तुम कंपटीशन के लिए तैयारी करो, ठीक है। और आगे विश्वविद्यालय में ही परीक्षा, ठीक है। और इस परीक्षा से तुम्हें कुछ लाभ होगा तो तुम मुझे नमस्ते भी करोगे आगे, ठीक है। तो हमारे ख्याल से कितने लोग ने मन बनाया है कि विश्वविद्यालय में ही एडमिशन लगे, हाथ उठाएंगे।